सुबह के 6 बज रहे हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश है और मुझे क्लास लेने जाना है। रेनकोट पहन के मैं भी निकल दिया हूँ काम पर। यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, काम तो करना ही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मीट माई फैमिली हियर, से हेलो। सो गाइस, आज है वियतनाम का इंडिपेंडेंस डे। So all of you guys should say happy Independence Day to all the Vietnamese people. तो आज के दिन इनका जो है देश इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रेंच के साम्राज्य से, जब यहाँ पर फ्रेंच का राज चलता था। तो 1945 में ये सब हुआ था जब फ्रेंच के राज से इनको छुटकारा मिला था। So happy Independence Day to all. हम आए अभी पार्क में, घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं और यहाँ पर कुछ हमें देखो एमी ने क्या ढूंढ लिया यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्रैब, यहाँ पर लेक है पास में, लेक से बाहर निकल के यहाँ तक पहुँच गया है। तो हम हेल्प करेंगे इसको वापस फिर से डालने की लेक में। इसको ले जाते हैं लेक में डालते हैं, पकड़ना बहुत ही डेंजरस है भाई, ये काटता भी है। तो ये रहा, मैंने पकड़ लिया है इसको, हम वापस से लेक में डालेंगे। ये रही वहाँ पर लेक, आगे जाके चलते है इसको लेक में डालते है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तक ये बाहर रहेगा ना लेक से तो मर जाएगा ये फिर। सो लेट्स बी काइंड, पुट इट बैक ऑन द लेक। ऐसे वियतनाम वाले लोग तो छोड़ते नहीं है, वो तो खा जाते हैं लेकिन बेचारा एक ही है, वो खाएंगे भी क्या। सो हेल्प हिम आउट। सो गाइस, हियर वी आर ऑन द लेक, लेट हिम रिलीज। ये देखो निकल गया है। और यहाँ पर देखो ये फिल्टर लगा रखा है, इससे पानी साफ होता है। तो यहाँ पर पानी साफ हो रहा है क्योंकि देख रहे हो पानी काफी गंदा हो गया है लेक में, तो ये लोग फिल्टर कर रहे हैं इस पानी को यहाँ से। तो इंडिपेंडेंस डे पे सारे लोग घर में बैठते हैं, खुशियाँ मौज मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इंडिपेंडेंस डे में भी काम करते देख रहे हैं आप। पार्क में एक आंटी जी बैठे है, अपना घास निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो यही इस खूबसूरती का राज है, क्यों इतने खूबसूरत होते हैं इनके पार्क, क्योंकि ये लगे रहते हैं मेहनत करने के लिए। लेट्स गो, लेट्स गो। मैंने आज बैग भी अपना उठा के ला लिया है, तो घूमने फिरने के लिए निकले हम भी बाहर। यहाँ पर ये पौधे देखो, इसमें कैसे फूल लगे हुए हैं, जबरदस्त दो कलर के हैं। इमी, लेट्स गो अनदर पार्क। सो अभी हमारा प्लान बना है कि हम यहाँ पर एक नजदीक में छोटे से गांव में जाएंगे, गांव का एनवायरनमेंट देखते आपसे भी दिखाते हैं। सो गाइस, आज हम गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं वियतनाम के एक छोटे से गांव में। एमी को लेके आए थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि गांव में भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो एमी को दिखाते हैं अरे परे का एरिया, यहां पर गांव टाइप है। ये देखो यहां पर लोग, यहां पर एक लेडीज़ भी है, उधर आप देख पा रहे होगे उधर ये मिर्च के पौधे इतने बड़े बड़े, इसके पीछे ही एक लेडीज़ बैठी है, वो अपना काम कर रहे है। और भी कुछ इधर देखो, इनने कितना बढ़िया साग सब्जी लगा रखी है, देख रहे हो। और ये धान के खेत है, पूरे हरे भरे धान के खेत, ये रहा गांव पहाड़। तो अभी भी हम बकनीन के अंदर ही है, ये सिर्फ ये है कि ये गांव है और उस पार में सिटी है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ ये देखो यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो अभी मैं घूम रहा हूँ अकेले अकेले बाहर, तो आपसे दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, कैसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को। तो जैसे आप गोल चक्कर में यहाँ पर देख रहे, झंडे लगा रखे हैं पूरे सड़कों में, ऐसे ही झंडे लगे हुए मिलेंगे। और अपने घर के बाहर भी एक झंडा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है 3-4 दिन पहले कि झंडा लगा दिया जाए अपने घर के बाहर। और जो ये झंडे हैं सड़क में, ये भी 1-2 हफ्ते पहले ही लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये डेकोरेट करते हैं और इस तरह से ही मनाते हैं, और नहीं तो अपने घूमने वगैरह के लिए चले जाते हैं 1 दिन के हॉलीडे के लिए। और बाकी इस बार तो कोरोना है तो इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, तो इसीलिए बस शांत माहौल है, लोग पार्क वगैरह में जा रहे हैं, तो इसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को। गाइस, शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं और एमी यहाँ पर देखो रूम पे अकेले हैं, तो
एमी ने ये काम किया है। मैं अपना एडिटिंग में मस्त था, एडिटिंग कर रहा था थोड़ी सी वीडियो की। अब किचन की ओर जाते हैं, देखते हैं जरा क्या कुछ बना है, क्या बन रहा है आज, दिखाते हैं आपसे। इधर कुछ ग्रिल हो रहा है और यहाँ पर बनी है कुछ करी। डिनर पे चिकन करी बन रही है और कुछ उधर ग्रिल हो रहा है, पता नहीं क्या ग्रिल हो रहा है। फाइनली इसको भी चेक करते हैं। अरे इसमें तो आधा चिकन ग्रिल हो रहा है। मौज कर दी भाई, मौज कर दी। गाइस डिनर में चिकन के अलावा कुछ और भी बन रहा है, तो शेफ साहब पहुंच गए यहाँ पर, पूछते हैं क्या बन रहा है, देखते हैं क्या बन रहा है। सो गाइस वाइफ ने यूट्यूब में वीडियो देख के बनाया है ये, या तो कह लो अफगानी नान कह लो या नॉर्मल नान कह लो, क्योंकि इसमें सोडा वगैरह भी डाला हुआ है। तो देखो गाइस ये देखिए अफगानी टाइप नान बने हुए हैं, देख लो, लेकिन सॉफ्ट है एकदम से, मज़ा आ जाएगा भाई चिकन के साथ। भाई जो चिकन को नहीं खाते हैं इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। सो चलो मैं चलता हूँ नीचे खाना खाने के लिए, थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। सो गाइज ये रहा हमारा डिनर, चिकन करी, ग्रिल्ड चिकन और कुछ साग भाजी और हमारे अफगानी नान, चलो खाते हैं। सो गाइज हमारा एकदम से डिनर हो गया है मस्त वाला। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, तो घंटी भी दबा देना है ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।